अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ टीचर और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर कौन सा है? 8। और बुक पेज नंबर कौन सा है? 37 to 40। कौन सा है बुक पेज नंबर? 37 to 40। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जैसा कि पता है हम एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमने एडिशन के बारे में ही देखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये आप लोगों ने देखा होगा कि हम इतने दिनों से एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्यों एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि इसको हम पढ़ रहे हैं? क्यों, कहाँ पे ये हमारी एज हम रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इसको? ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटी सी, कि आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है डेली बेसिस पे, 10 रुपीज़ मिलती है या 20 रुपीज़ मिलती है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको पूरा वीक अगर सब जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग उसको सेव करते हैं, तो वीक के एंड पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी पॉकेट मनी, जो हमारे पास कितनी मनी है वो सेव हो? तो जब आप लोगों को एडिशन के बारे में पता होगा, जब आप लोगों को एडिशन के बारे में पता होगा, आप ऐड करना जानते होंगे, तभी आप लोग उसको ऐड कर सकेंगे ना। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस में कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले भी जब एडिशन की थी वो भी 100, 10s and 1s में ही थी, जो कल के लेक्चर में थी। लेकिन स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास 2 तक था। ठीक है, यहाँ पे जैसे 427 और 49, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, ये वाली टर्म नहीं थी हमारे पास। अब यहाँ पे ये ऐड अप हुई है, इस वजह से हम इसको दोबारा से देखेंगे और अपने प्रीवियस जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 7 है, कल भी बताया था 7 है, 7 वैसे ही राइट डाउन करेंगे, और साथ में 9 हमने क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ साथ काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, ये हम लोगों ने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, इनको अब हमने काउंट कैसे करना है। ठीक है, 7 था, ये वाली 9 लाइंस ड्रा होगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। ये मेरे साथ साथ आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास? 16। टोटल सम अप करके कितना बन गया? 16। ओके, 16 हो गया स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड अप करके, लेकिन अभी थर्ड वन रहता है हमारे पास। ओके, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे दोबारा से, क्योंकि फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है? 9। तो हमारे मेरे साथ साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो अब हम 16 था, अब मेरे साथ साथ काउंट करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। टोटल हमारे पास कितने बन गए? 25। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जब इस तरह से हमारे पास डिजिट आएगा तो वंस वाले फॉर्म में हम लोग जो वंस का डिजिट होगा हमेशा वो यहाँ पे राइट करें। ठीक है, और ये टेंस वाला जो है वो कैरी लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है और 2 जो है वो हमारे पास कैरी जाएगा नेक्स्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आई है। दोबारा से देखें इस स्टेप को, 7 था, ये 9 लाइंस ड्रा की हम लोगों ने, उनको काउंट किया, वो 16 था, फिर हमारे पास नेक्स्ट 9 था, फिर 9 लाइंस ड्रा की और 16 के बाद उनको सबको हमने ऐड अप किया, तो कितना हुआ? 25 हो गया। और वंस वाले को हमने राइट किया, टेंस वाले को हमने कैरी लिया। और फ्रेंड्स, एक बात और मैंने बताई थी कि हमेशा वंस से ही एडिशन स्टार्ट होगी, इधर से आप नहीं स्टार्ट करेंगे, ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम लोगों ने इनको ऐड अप करना है। ठीक है, 2 है, 2 हम लोग वैसे ही रहने देंगे, इसके अंदर कितनी लाइंस हमने ऐड करनी है, कितनी लाइंस ऐड करनी है? 4, 1, 2, 3 and 4, ये 2 ये, और मेरे साथ काउंट करें, 3, 4, 5 and 6, 6 हो गए, ये 2 डिजिट्स को मिला के 6 हो गए। और नेक्स्ट है हमारे पास 0, तो स्टूडेंट्स मैंने कल भी बताया था, आज अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 0 जो है वो कहीं भी किसी भी डिजिट में ऐड हो उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम लोग 0 किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास कितना हुआ 6, और ये दोनों इसमें ऐड किए तो कितना हो जाएगा 8। ओके, इसी तरह अब नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे ये 4 है, ये वाली चीज़ स्किप की हुई है, यानी समझिए ये 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 4 है और ये 2 है, 4 और 2 कितना होगा 6, तो यही इसका क्या है 6, इसका 685 इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इसकी बी वाली एग्जांपल पे चलते हैं, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 9 है, ठीक है, तो हम 9 के साथ कितनी लाइंस ड्रा करेंगे 8, कितनी लाइंस ड्रा करेंगे 8, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो हम लोग 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 कितना बन गया 17, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया क्योंकि नेक्स्ट अभी हमारे पास 5B रहता है इसमें ऐड करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5, तो लाइंस लगाएं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कौन सा डिजिट बन गया 22। तो हम लोग ये वाला 1 वाला यहाँ पे राइट करेंगे और ये हम कैरी लेके जाएंगे, ठीक है, सेम ये वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट। इस लाइन को दोबारा से देखें, ये 9 था, साथ कितनी लाइंस ड्रा करनी है 8, गुड, साथ हमने 8 लाइंस ड्रा करनी है, उसके बाद ये हमारे पास 17 था, फिर हमने साथ कितनी लाइंस ड्रा करनी है 5, उनको हमने एडअप किया और बन गया 22, और फिर 2 लिखना है और 2 हमारे पास कैरी चला गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है, 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 4, 5 और 6, ये तो इजी सी एडिशन है, ये तो अब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, 4, 5, 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 7 एंड 8, वो यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों जगह पे कोई डिजिट नहीं है तो 9 जो है वो एस एच आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पे दोनों जगह पे 0 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास, इसमें भी चलते हैं, ये दोनों हैं हमारे पास 6, तो 6 के साथ हम लोग पहले 6 प्लस यहाँ पे 6 लाइंस ड्रा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको करें काउंट, 6 था, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो यहाँ तक कितना बन गया 12, लेकिन अभी यहाँ पे ये 8 रहता है तो हम 8 लाइंस फिर ड्रा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, अब 12 को इसमें 12 में हमने 8 ऐड करना है तो 8 लाइंस ड्रा की, 12 ये था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, आप लोग साथ साथ मेरे जब काउंट करेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी, कितना हमारे पास बना है 20, और वंस वाला हमने राइट करना है, टेंस वाला हमारे पास कैरी चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो एडिशन देखें, 3 में 2 ऐड करना है, ये तो इजीली आप लोग स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 होता है, एडिशन कर करके हमें इतनी तो समझ आ गई होगी ना, ये इजी सी एडिशन, तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में ये 2 ऐड करें 6, 7 एंड 8, ठीक है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो 3 और 1 को हमने जब ऐड किया तो कितना होगा 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, 6 था, साथ 6 लाइंस ड्रा की, उनको ऐडअप किया 12 हुआ, फिर हमने साथ 8 लाइंस ड्रा की, उनको ऐड किया 20 हुआ, वंस वाला हमने लिखना है, 2 वाला हम कैरी लेंगे, फिर यहाँ पे 3 को 2 में ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 में ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर ये कैरी वाला ऐड करेंगे और ये वाला हमारे पास टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है।